तो भाई लोग ये अपना गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए ये गेम हमारा चल रहा है जिसमें FPS अभी आ रहे हैं 287 2। सो भाई लोग ये देखिए हमारा चल रहा है इसमें GTA 5, और GTA 5 कुछ उम्मीद से ज्यादा ही दे रहा है तो भैया परफॉर्मेंस। सो भाई लोग ये बिल्ड है हमारे अतुल कुमार का, इनका बजट है 70,000 70,000 का ये बिल्ड है। और अतुल कुमार भाई हमारे रहने वाले हैं चंबा हिमाचल प्रदेश। कौन कौन हिमाचल प्रदेश से इस वीडियो को देख रहा है कमेंट में लिख के बताओ उसको, जो जो अपनी लोकेशन बताएगा, कौन कौन आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं लोकेशन बताएगा, जो जो उसको हार्ट देंगे हम खुद अपने हाथों से, ठीक है। सो सब लोग कैसे हो आप सब, दृश्यत आपका अंकित कुमार शर्मा एंड वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। हम लोग स्टूडियो से भगा दिए गए, अनफॉर्चुनेटली वो हमसे छीन लिया गया है स्टूडियो। क्यों छीना गया है वो जल्दी बताएंगे आप लोग को आने वाली वीडियो में। अभी हम बैठे अपने स्टोर बना रहे, वीडियो स्टोर की हालत इस तरह की है। देखिए यहाँ मतलब स्टोर क्या, यहाँ पर हम लोग क्योंकि दिखा दो, यहाँ पर हम वो कंपोनेंट ला के रख देते हैं जो कंपोनेंट हमारे रिजर्व हो जाते हैं, मतलब जिनका हमारा एडवांस आ जाता है और बुक हो जाते हैं, तो उनका सामान निकाल के हम लोग यहाँ पे लाइन से लगा देते हैं कि किसका किसका क्या क्या सामान है, ठीक भाई। बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर आपको कोई नया पीसी भाई है, चैनल पर पहली बार आप लोग आए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई नया पीसी बाय करना है तो हम लोग लखनऊ बेस्ड हैं, लखनऊ में हमारा स्टोर है हजरतगंज में, फरीदी बिल्डिंग अपोजिट हजरतगंज एग्जिट गेट नंबर 2 नियर बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ, ठीक। और एक मिस्टर पीसी वाले शॉर्ट्स नाम से चैनल है भाई, उसको भी देख लेना, ध्यान रखना उसका, अच्छा लगेगा आपको तो, फोर्स नहीं करते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक भाई। और उसके अलावा आप अगर आपको कोई नया ऑर्डर देना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9532777615, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर दीजिएगा। और या तो आप हमें दूसरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम में आप लिखिए मिस्टर पीसी वाले, मैसेज में जाइए, आप हमको डीएम कीजिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक भाई। सो आज का ये बिल्ड है हमारा 70K का, पूरी वीडियो में बिल्ड दिखाएंगे, बेंचमार्क है जाना मत। सबसे पहले कंपोनेंट देखो क्या क्या है, सबसे पहले देखो आओ। तो अतुल भाई कैबिनेट की बात करते हैं तो कैबिनेट हमारी थर्मल टेक 200TG है, जो कि इसमें एक डोर टाइप में ग्लास दिया हुआ है, ठीक है। फ्रंट पे एक वर्टिकल स्ट्रिप दी हुई है, अगर बैक साइड की बात करें तो एक नॉन RGB फैन दिया हुआ है, और 240mm का AIO भी आपका इसमें इंस्टॉल हो सकता है। और फ्रंट इसमें USB पोर्ट की बात करें तो 2 3.0 के पोर्ट दिए हुए हैं, और इसमें ये वर्टिकल स्ट्रिप लगी हुई है, इसके लिए एक बटन भी दिया हुआ है RGB में। और बाकी आपको इसको पूरा अनबिल्ड करके दिखाते हैं कि इंटरनल वायरिंग वगैरह के लिए क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो भैया आपने कैबिनेट देख ली, पंडित ने दिखा दिया आपको थर्मल टेक, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखो 70,000 का है बे बजट, लेकिन कंपोनेंट देखना, कंपोनेंट बहुत सिलेक्टिव रखे गए इसमें एवरेज परफॉर्मेंस के लिए। सबसे पहले जो हमारी इसमें पावर सप्लाई यूज हो रही है, सुफी क्लोज दिखाओ, पावर सप्लाई हम यूज कर रहे हैं कोर्सियर CV450W 80+ ब्रॉन्ज, जिसका सीरियल नंबर आपका ये रहा, ठीक, ये रहा सीरियल नंबर, और ये गई इसकी सील, और सील कटने के बाद क्या सामान निकलता है इसमें आप देखते जाओ उसको। तो भाई लोग ये रही पावर सप्लाई CV450W 80+ ब्रॉन्ज, ठीक है, ये पावर सप्लाई हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। उसके बाद भाई लोग देखिए हम लोग एक इसमें फैन लगा रहे हैं, फ्रंट में आर्टिस्ट का फैन आता है, RGB फैन है, 500 रुपीज के आसपास आता है, और 120mm का फैन आता है। ये देखिए ये रहा फैन जो कि हम लोग लगा रहे हैं एक फ्रंट में, ठीक है, ये देखिए फैन। तो पंडित तुम क्या करने जा रहे हो? तो भाई इसमें जो इसका नॉन RGB फैन दिया हुआ है बैक साइड वाला, वो लगा दे रहे हैं फ्रंट पे, जो कि ये आपका इनटेक रहेगा, और जो इसका RGB फैन है वो बैक साइड कर दे रहे हैं, जो ये रहेगा आपका आउटटेक, ठीक भाई। अब आ जाओ यार, देखो इसमें जो मदरबोर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं मतलब MSI का प्रो H610MG DDR4, और फुल सीड पैक सीरीज के अंदर होती है, अच्छा। और ये देखो मदरबोर्ड यूज हो रहा है, ये देख लो आप, ये रहा हमारा मदरबोर्ड, ठीक भाई, ये इंटेल का मदरबोर्ड है, 12 जनरेशन सपोर्टेड है, और यहाँ पे लगी है इसकी सील, ये देखिए ये इसकी गई सील, और ये देखिए मदरबोर्ड है हमारा, ठीक है, ये इंटेल 12 जनरेशन के लिए मदरबोर्ड बनाया गया है, सबसे बेसिक लेवल का मदरबोर्ड है, 2 RAM स्लॉट का, तो ये मदरबोर्ड में यूज कर रहे हैं। कॉस्टिंग की बात करें इस मदरबोर्ड की, तो ये इसकी कॉस्ट आती है अराउंड 6,000 के आसपास, सॉरी 6 नहीं, महंगा आता ना शायद 7,000 के आसपास आता है, मतलब इन सारे कंपोनेंट के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं आप जाके वहां से उसके कंपोनेंट को चेकआउट कर सकते हैं उनका प्राइस। तो भाई लोग उसके बाद जो इसमें GPU यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है यहाँ तो दिखाओ करीब, ओ सॉरी जो इसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है, आई एम सॉरी बेबी,
जिसमें प्रोसेसर यूज हुआ है इंटेल i5 12400F 18 MB कैश के साथ है, ये 1700 सॉकेट के साथ। तो ये प्रोसेसर इसमें यूज हो रहा है कौन सा, 12400F, और ये फुल सील्ड पैक है। दिखाओ सोची, देखो यहाँ से भी सील चेक कर लो, यहाँ से सील चेक कर लो, ये रहा इसका सील नंबर, और इसको सील ब्रेक करते हैं और भाई लोगों को दिखाते हैं। ये देखो, ये हो गई इसकी सील ब्रेक, सील ब्रेक हो गई। इसके बाद ये रहा हमारा निकला, ये देखो प्रोसेसर भैया। और सुनो, बेंचमार्क भी है, जाना मत। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा देना जरूर, नीचे दिए गए लाइक बटन दबा जरूर देना। ये देखो 12400F, ठीक। उसके साथ साथ इसका ये रहा फैन जो कि निकलता है इसके साथ में, ये देखो बहुत ही मजबूत लोहा लाट फैन निकलता है, ये देखो बहुत काफी वेट है, ठीक भाई। तो ये देखिए, ये सामान हो गया। उसके साथ जो इसमें हम लोग NVMe लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं किंगस्टन की NV1 250GB की NVMe। अब आप में से बहुत लोग चिल्लाओगे 17000 में ये दे दिया 12400F, लेकिन सारे कंपोनेंट की कॉस्टिंग है कुछ देखना। तो आप उसके बाद जो इसमें रैम यूज हो रही है वो जी स्किल की 16GB। मेरे पास ऑप्शन था कि 8x2 3600 लगा दें या 16GB 3600 लगा दें, तो फ्यूचर अपग्रेड के हिसाब से देखो। क्या नाम है तुम्हारा, इसका नाम क्या था, अतुल, तुम्हारी 16GB सिंगल स्टिक रैम लगाने की सिर्फ एक वजह है, वजह ये है कि दो रैम स्लॉट का मतलब बोर्ड है। अगर हम 16 लगा देंगे तो तुम स्टक हो जाओगे, 8/2 में लगा देंगे तो तुम स्टक हो जाओगे। 16 सिंगल लगाई, 16 का सिंगल तुम एक फ्यूचर में लगा सकते हो, इसलिए हमने ये रैम लगाई है, ठीक। तो ये लिखाओ यहाँ सूफी, 16x1 3600 MHz की ये रही रैम। तो और इस रैम की कॉस्टिंग डिस्क्रिप्शन में सारे कमेंट वो पड़े हैं लिंक, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक। उसके बाद जो उसमें ग्राफिक कार्ड लग रहा है वो लग रहा है आपका हमारा Asus GeForce Gaming G4RTX OC 4GB DDR6 1650। अब आप में से कई लोग कहोगे भैया 1650 दे दिया, भैया 1650 दे दिया, लेकिन एक बार ओवरऑल कंपोनेंट की कॉस्टिंग निकालना। जैसे प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर की कॉस्टिंग, मदरबोर्ड की, कैबिनेट की, रैम 16GB 3600 250GB NVMe सबकी कॉस्टिंग निकालना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये देखो, यहाँ से हम करते हैं इसको आपके प्रोसेसर को अनबॉक्स, ये देखो ग्राफिक कार्ड को अनबॉक्स हमने क्या किया, प्रोसेसर को ग्राफिक कार्ड बोल दिया और ग्राफिक कार्ड को प्रोसेसर बोल दिया। तो ये आप निकालोगे, ये रखा है आपका ग्राफिक कार्ड, ठीक है। ये देखो ग्राफिक कार्ड आपका ये हुआ यहाँ से अनबॉक्स, और 1650 भाई साहब ये डुअल फैन पे आता है, और ये देखो टफ गेमिंग सीरीज है, बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये कंपोनेंट इनके में लग रहे हैं भाई के में। अंकित अपना काम देखो कर रहा है इधर खड़ा हुआ। अब हम सीधे आपको बर्नर बना के दिखाते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं इस पीसी का बेंचमार्क, देखते रहना मजा आ जाएगा। तो भाई लोग, सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका है, पूरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। देखिए बाय लुक कैसा लग रहा है, थर्मल टेक की कैबिनेट लगी है, S200TG और 1650 ग्राफिक कार्ड, 12400F प्रोसेसर, 16GB RAM 3600 250GB NVMe, और ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट। ये देखिए कैसा लग रहा है केबल मैनेजमेंट, ये देखिए जबरदस्त केबल मैनेजमेंट है बच्चों ने हमारे किया है मस्त। और उसके साथ साथ देखिए इसमें पीछे ARGB फैन लगाया हम लोगों ने, देखिए ये फैन लगाया और एक ये फैन लगाया इनटेक, क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड लगा है, इससे पहले मशीन में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा था। और आप लोगों ने क्या कमेंट किए हैं कि भाई साहब 12400F वर्सेस 12400F प्लस 1650 वर्सेस एक ये मशीन रखी, देखिए 12600K, इसमें एक बेंचमार्क वीडियो बनाओ। तो 50 कमेंट लगभग उस वीडियो में आए थे, मुझे उसमें 50 कमेंट और चाहिए, 50 कमेंट डालो आप, और 1K लाइक्स अगर आए इसमें तो आज आप ये वीडियो देख रहे हो। कल इंतजार करना, कल हम एक वीडियो बनाएंगे इसके बेंचमार्क की, 12400F प्लस 1650, क्योंकि सेम बजट है, 65000 का वो पीसी था, लगभग 17000 के आसपास ये पीसी है, तो इसकी और उसकी बेंचमार्क सेम बनाएंगे। अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट करो, लाइक करो भाई, ठीक। और ये देख ली, सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हमारी विंडोज पड़ चुकी है, गेम टेस्टिंग चल रही है। अब हम सबसे पहला गेम आपको खेल के दिखाते हैं इसमें वैलोरेंट। बाकी लुक कैसा लग रहा है पहले बताइए आप, पहले हम इसको सोच रहे हैं इसके साइड पैनल बंद करते हैं, बंद करके दिखाएं आपको कि इसका लुक कैसा आया है। तो भाई लोग देखिए, हमारा इसमें साइड का पैनल लगा दिया गया, देखिए ठीक है, ये पैनल लगा दिया गया है और इस साइड भी हमारा पैनल लगा दिया गया, ऊपर डस्ट फिल्टर लगा दिया गया। उसके बाद ये मशीन कितनी ज़बरदस्त सिंपल सोवर प्यारी मशीन लग रही है, देख के मजा आ जाए। देखिए यहाँ से हिंज डोर है, ये आपका
खुलता है और बंद होता है। ठीक है, देखिए ये बंद हो गया हमारा। लुक देखिए, अब हम सीधे गेम टेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला गेम तुम कौन चलाओगे? वैलोरेंट चलाते हैं। देखिए आप, तो भाई लोग देखिए हमारा ये चल रहा है वैलोरेंट का बेंचमार्क। ठीक है, अब इसकी ग्राफिक सेटिंग खुली हुई है जो कि आपके सामने, टेक्सचर क्वालिटी, डिटेल क्वालिटी सब मीडियम पे लगा रखी है हम लोगों ने। देखिए है सारी क्वालिटी, यूआई क्वालिटी, विजनिटी, वी सिंक ऑफ कर रखा है, सारी लगी है। अब हम इसी सेटिंग पे प्ले करते हैं, इस गेम को देखते हैं। तो भाई लोग ये अपना गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए ये गेम हमारा चल रहा है जिसमें FPS अभी आ रहे हैं 287, 290, 300, अभी आप इतने ज्यादा FPS आ रहे हैं। सूफी चल कैसा रहा है? स्मूथ चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, मस्त चल रहा है। और इस मशीन में देखिए लगा क्या क्या, फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। 12400F लगा है, 1650 ग्राफिक कार्ड, 3600 रैम लगी है, 16GB की, और 256 GB NVMe लगी है, H610 मतलब बोर्ड है, B660 नहीं है, H610 मतलब बोर्ड है। और ये देखिए आप, इसमें आप अगर आप वैलोरेंट के लिए लेते हैं ये पीसी, तो वैलोरेंट के लिए पीसी कितना अच्छा रहेगा वो आपके सामने है। क्या स्कोर कर रहा है, क्या FPS दे रहा है, अराउंड 250-300 के बीच में आपको FPS इसमें आराम से मिल रहे हैं। देखिए चल रहा है गेम, गेम अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं अपने खुद सामने देख रहा हूँ। ये देखिए कीबोर्ड, माउस चल रहा है गेम, ये देखिए ठीक है, ये देखिए चड्डी हमारी केबल वगैरह सब पीछे लगी हुई है, इसमें आपके सामने ये सिस्टम हमारा चल रहा है। ये देखिए ठीक है, ये देखिए अब इसके बाद सोफी कौन चलाओगे गेम? GTA 5। इसके बाद चलाते हैं GTA 5, उसको चेक करते हैं। सो भाई लोग ये देखिए हमारा चल रहा है इसमें GTA 5, और GTA 5 कुछ उम्मीद से ज्यादा ही दे रहा है। तो भैया परफॉर्मेंस के मामले में 12400F 1650 आसूस, लेकिन 1650 कौन सा है? आसूस का लगा भैया, आसूस टफ गेमिंग लगा है, कोई आलतू फालतू नहीं लगा है, आसूस टफ गेमिंग लगा है, डुअल फैन ठीक वो लगा है। तो इसके साथ आपको FPS मिल रहे हैं 70, 73, 69, मतलब 60 से लेके 80-90 के बीच में FPS मिल रहे हैं। तो मतलब अगर आपका बजट इतना है और आप भाई GPU चाहते हो तो 1650 का तो प्राइस डाउन नहीं हुआ है, नॉर्मल प्राइस चल रहा है, जैसे जो इसका चल रहा था इससे पहले कुछ टाइम पहले तक वही चल रहा है, 70 प्लस भी हो रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हो क्योंकि देखो परफॉर्मेंस 12400F इंटेल कितनी अच्छी दे रहा है। अब मेन बात आप लोग कहोगे आपने 610 मदर बोर्ड लगाया, तो भाई कुछ बजट इशू होता है, बजट जितना था रिस्ट्रिक्ट उसी बजट में करना था, 2060 तक नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका परफॉर्मेंस सिस्टम का जो क्या निकल के आ रहा है आपके सामने। ही देखिए वैलोरेंट में मैंने चला के दिखाया, ये भी चला के दिखाया। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या आप लोगों को वाली वीडियो चाहिए जिसमें 12400F प्लस 1650 वर्सेस 12600K। अब मैं आपको बताऊं 12600K एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें अगर आपको उसकी फुल परफॉर्मेंस निकालनी है, चाहिए है, तो आपको करना पड़ेगा उसको Z690 से कोलैबोरेट, बट ड्यू टू लैक ऑफ बजट इशू की वजह से उसमें लगा है B660। ठीक भाई, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप आज कमेंट करो आज भैया, अगर मुझे 5K लाइक्स आ गए वीडियो पे तो कल सुबह वो वीडियो अपलोड होगी चैनल पे, उसमें 12600K वर्सेस 12400F प्लस 1650 और शायद 16GB रैम उसमें भी, 16GB रैम इसमें भी, उसमें की वीडियो आपने देखी ली है, उसमें जो है आपका B660 मदरबोर्ड लगा है, इसमें लगा है H610 मदरबोर्ड। ठीक भाई, तो कोई नया पीसी बाय करना है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, नंबर है हमारा 9532777615। व्हाट्सएप करो, फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर दो, क्वेरी कर लो अपनी। और उसके अलावा अगर आपको हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है मिस्टर पीसी वाले, वहां पे भी आप हमको DM को तो आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर दो, आपको आपका रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। ठीक, और उसके अलावा चैनल पहली बार आप लोग आए हो और ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कंटेंट हम लोग बेस्ट से बेस्ट दिखाने की, ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब किए ना मत जा। Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you, whoa, I'm still.